गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3/5 व 4/5 के बीच 5 पर में संख्या ज्ञात करना है। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा में बताया था 3 और 4 के बीच में 5/6 पर में संख्या निकालने को कहा गया था, उसको हमने आपको करके दिखा दिया। इसमें आपको दिखाया जा रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है आपका, देखिए दोनों में हर क्या है, बराबर है। तो आप हमने कहा था जिसमें हर बराबर होता है उसमें हमारा क्या करना पड़ता है, उसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जितना परिमेय संख्या निकालना पड़ता है, 5 निकालना है ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, एक अधिक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंश और हर। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास 3/5 4/5 कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमको इसमें, 5, तो किससे गुणा करेंगे, 6 से करेंगे, 6 से गुणा ऊपर 6 से गुणा नीचे। यहाँ भी कितना होगा, 6 से गुणा ऊपर 6 से गुणा नीचे। तो देखिए यहाँ 3 6 18 हो जाएगा, 6 5 30, 6 4 24 हो गया, 6 5 30। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कितनी होगी हमारे यहाँ पास, देखिए 18/30 आ गया, 24/30 आ गया, तो 5 परिमेय संख्या हमारा 18 के आगे गिनी है 19, तो क्या करेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये हमारा 5 परिमेय संख्या होगा। तो इसको सरलता रूप में हमको लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ 20/ है, उसकी 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 3 से कर सकता है, 3 7 21, 3 10 में 30, यहाँ 2 से कर सकता है 11, यहाँ आएगा 15, हमारा क्या है यहाँ पास 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया बताइए, इसमें हमको 5 परिमेय ज्ञात करना था, तो उसमें क्या करना पड़ता, हमेशा एक अधिक से गुणा करना पड़ता है जब उसका हर बराबर हो। तो हमारा यहाँ हर बराबर है कि नहीं, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 6 से गुणा अंश में 6 से गुणा हर में, 6 से गुणा अंश में 6 से गुणा हर में, हमारा कितना है 18/30 आया, 24/30 आया। तो हमने इसको लिख दिया 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, 18 के बाद आप लिख दीजिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो जो हमारा जो यहाँ से जितना हम सरलता रूप में कर सकते हैं उसको हम कर देते क्वेश्चन को। यहाँ 20/30 हमने कर दिया, 2/3 आ गया, 21/30 हमने 7/10 आ गया, 22/30 हमने किया 11/15 आ गया, और 23/30 को हम सरलता रूप में नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों देखिए आप लोग किताब में देखेंगे कि हमारा आंसर तो कुछ और दे रहा है, यहाँ आंसर कुछ और आ जा रहा है। तो बच्चों ये बात को जानिए आप, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है, कितनी होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अगर आपको उस तरह आंसर चाहिए तो उसके लिए दूसरा मेथड भी होता है, आपको हम दूसरा मेथड भी बता देते हैं। ये इसको मान लीजिए आप फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड से आप कर सकते हैं। अब ले लेते हैं हम लोग यहां सेकेंड मेथड, क्लियर, सेकेंड मेथड कैसे करेंगे हम, इसमें हम लोग सेकेंड मेथड में भी देखना पड़ता है हमको हर बराबर है कि नहीं, हर बराबर है, कितनी परिमेय संख्या निकालना है हमको, हमको निकालना है 5, मतलब कि 10 के अंदर हमारा 5 आता है कि नहीं, तो 10 से गुणा करेंगे, 10 के ऊपर रहेगा जितनी परिमेय संख्या है और 100 के बीच में, तो 100 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ हमको क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 के अंदर है 5, तो हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा,
तो ये 3/5 है और ये 4/5 है, तो गुणे 10/10 गुणे 10/10 कितना आएगा यहाँ पास 30/50, यहाँ कितना आएगा 40/50। अब उसी तरह लिखना है आपको यहाँ पास 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखिए 30 आया यहाँ 40 आया, हमको इनके बीच केवल 5 लिखनी है, 9-10 नहीं लिखना, कितना लिखना हमको 5, क्योंकि हमको 5 निकालने को आ गया इसके अंदर। तो यहाँ देखिए 30 है तो 31/50, क्लियर, फिर कॉमा लगाइए 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। आ गया आंसर, आप अपना किताब में आंसर देख लीजिएगा, आपको यही आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।